immerse ourselves in the fascinating world of Japanese art and culture and deepen our appreciation for its timeless legacy. Yes, I would like to express my gratitude to the people who come here today. And I would like to also say thank you to the State Bank Museum and Pakistan-Japan Cultural Association which supported this exhibition. Yokai exhibition is some kind of a unique. It's a different from exhibition we had in the past. While Japanese culture is associated with, often associated with the ikebana, tea ceremony, and bonsai, and pottery, but yokai exhibition is another aspect of Japanese culture. Which the yokai is appearing in a variety of situations in our life, including the anime and the manga and such as so on. And I hope the people come gathered here today enjoy the yokai exhibition, which represent the Japanese spiritual world of Japan. Thank you so much. Thank you. Today it was a pleasure to be here to see the Japanese exhibition. It was very interesting, and I congratulate the Japanese consulate as well as Bank of Pakistan for organizing such a nice exhibition here. So we had the opportunity to see the Japanese culture, Japanese art, Japanese traditions as well. We couldn't go there, but they brought everything to here in Karachi, and we enjoyed it very much. Thank you. आज की जो नुमाइश है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के म्यूज़ियम में और आर्ट गैलरी में लगी हुई है, ये बेसिकली जापानी सकाफत में और जापानी अदब में जो माफूकुल फितरत किरदार होते हैं, जिसे हम अंग्रेज़ी में फोकलोर करेक्टर्स भी कहते हैं, हमारे यहाँ भी इलाकाई किरदार अलादीन का जिन और इस तरह के अली बाबा 40 चोर, इस तरह की जो माफूकुल फितरत किरदार जिनका ताल्लुक हकीकत से नहीं है, फिक्शन है, मगर वो जापानी सकाफत का हिस्सा हैं, उस तारीख का हिस्सा हैं जो जापान की क्लासिकी तारीख है। तो आज जापान फाउंडेशन की तरफ से यहाँ स्टेट बैंक के म्यूज़ियम में इन किरदारों की नुमाइश का अहतमाम किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि इन किरदारों की क्या तारीख है और ये किस तरह जापानी सकाफत में एक अहमियत रखते हैं। असलामुअलैकुम, आई एम अलीहा राव, और मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, आज जो जापानीज़ फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया है योकाई परेड आर्ट एग्ज़िबिशन, इसमें जो है इनके कल्चर के अंदर योकाई जो है वो मॉन्स्टर्स और सुपरनेचुरल बीइंग्स होते हैं, अलग किस्म की मखलूक आप कह लें, जैसे हम लोगों के यहाँ जिन होते हैं उनके यहाँ योकाई होते हैं, और इनके यहाँ जो है बहुत पहले से जो है उस योकाई की बिलीफ को किस तरीके से आर्ट फॉर्म के थ्रू लोगों ने जो है वो प्रिजर्व करा है, और पहले स्क्रोल्स के थ्रू, फिर उसके बाद वुड ब्लॉक इलस्ट्रेशन के थ्रू, और अब इन टुडेज़ डे एंड एज अगर आप बहुत सारे लोग देखते होंगे एनिमेज और मांगाज और मूवीज़ के थ्रू, सो वो सारा जो इसके जो है ना कल्चरल इसकी बहुत जो है वो इम्पोर्टेंस है, और इसीलिए इन्होंने इसके थ्रू जो है हम लोगों को स्टोरी टेलिंग के थ्रू अपने योकाई मॉन्स्टर्स को जो है हमारे से इंट्रोड्यूस कराया है। इससे बेसिकली हमें कल्चर के बारे में बहुत पता चलता है, और फिर एक कल्चर जो है वो दूसरे कल्चर के साथ कनेक्ट होता है।